टाइटल और थंबनेल लेके आपको पता चल गया होगा कि आज मैं पल्सर आर एस 200 के ऊपर रिव्यू वीडियो करने वाला हूँ। तो गाइस अभी राइड करते हैं हम लोग आर एस 200 का। तो ये बाइक भी बहुत सही बाइक है। ये मेरा एक टाइम का स्कूल क्रश वाला बाइक था और अभी भी मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप सी यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे हो, अच्छे ही रहना। तो गाइज टाइटल और थंबनेल लेके आपको पता चल गया होगा कि आज मैं पल्सर आर एस 200 के ऊपर रिव्यू वीडियो करने वाला हूँ। तो रिसेंटली बजाज का पल्सर आर एस 200 लॉन्च हुआ है, जो BS6 मॉडल आता है। स्पेसिफिकेशन और न्यू चीज़ें ऐड हुई है। तो हम लोग अभी शोरूम जा रहे हैं, शोरूम जाने के बाद टेस्ट ड्राइव लेंगे, देन आपको हम लोग सब डिटेल्स में बताएंगे पल्सर 200 आर एस के ऊपर। तो गाइज ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज अभी राइड करते हैं हम लोग आर एस 200 का। तो ये बाइक भी बहुत सही बाइक है। ये मेरा एक टाइम का स्कूल क्रश वाला बाइक था और अभी भी मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बात किया जाए तो इसमें आपको 6 गियर स्पीड मिल जाएगा और साथ ही साथ ये आपका पूरा स्पोर्ट्स बाइक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बाइक काफ़ी रिफाइन इंजन के साथ आया है। जो पहले का जो BS3 का जो मॉडल था, उसको स्पीड उसका मतलब बहुत ज़्यादा है, बट अभी जो न्यू मॉडल आया जो BS6 का, उसका स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया है। तो फिलहाल मैंने अभी 125 अराउंड स्पीड उठाया था, तो काफ़ी स्मूथली ये बाइक मतलब खींचा, मतलब बहुत स्पीड है इस बाइक में, बहुत स्पीड है। तो गाइज इस बाइक में आप लोगों को टाइम वगैरह मिल जाएगा, फिर किलोमीटर, फिर ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2, फिर आपका फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, बट आपको शायद से गियर इंडिकेटर नहीं मिलेगा इस बाइक में। आपको गियर स्पीड मिल जाएगा, 6 गियर के साथ मिल रहा है ये बाइक, और बाइक जो है वो काफ़ी स्पोर्टी लुक्स के साथ दिख रहा है, जिसके आप देख रहे हो बहुत स्पोर्टी बाइक है। और इसका मिरर भी जो है ना, वो भी बहुत एडजस्टेबल है। आप जैसे इजीली एडजस्ट करके आप पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो आराम से देख पाओगे, और काफ़ी मतलब सेक्सी सा बाइक है ये। मतलब इसका जो लुक्स है बहुत एग्रेसिव सा लुक है। अभी थोड़ा स्पीड उठाते हैं, देखते हैं ये कितना स्पीड उठता है ये बाइक। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में। तो इसका जो फ्रंट टायर का साइज़ है वो 100x80 है। अब इसके बैक टायर के बारे में, बैक टायर का जो साइज़ है उसका आपका 130x70 है। तो टायर तो काफ़ी अच्छा है, MRF का टायर देके दिया है, बहुत फैटी टायर है। तो जब आप मतलब रोड में जब चलाओगे तब बहुत अच्छे से चला पाओगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसका क्या फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपका 30 लीटर्स है और ये लिक्विड फ्यूल इंजन के साथ आ रहा है आपको ये बाइक। तो मतलब जब भी आप परफॉर्मेंस जो है ना, मतलब मुझे ये बाइक चलाने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मुझे अच्छा फील हुआ है। तो भाई आपको फीचर्स बता देंगे हम लोग का पल्सर आर एस के बारे में, तो भाई थोड़ा सा आप फीचर्स बता दो। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि जो उसका मैक्सिमम टॉर्क पावर है वो है 18.7 Nm, और उसका ये पावर है 4.5 PS। तो RS का सीट हाइट के बारे में अगर बात करेंगे, तो इसका सीट हाइट आपका 800 mm में है, और इस बाइक को लेके कॉर्नरिंग लेने में काफ़ी मस्त लगता है। देखिए आप देखना, मैं एक कॉर्नरिंग लूँगा। अरे 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 अंकल आ गए। इसका कॉर्नरिंग लेने में ये बाइक बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि ये पूरा स्पोर्टी बाइक है ना, तो
तो इसी कारण इसका स्पोर्ट राइडिंग लेने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये रिफाइंड, काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ ये बाइक है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। ये BS6 का मॉडल है और ये कलर भी जो है ना बहुत मुझे सुंदर लगा, बहुत सुंदर। इसका पिकअप भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है। तो अभी सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि RS 200 कितना माइलेज देती है। तो ये आपका 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे देता है आराम से, एक लीटर में 35 किलोमीटर पर लीटर आराम से दे देता है। तो 35 किलोमीटर पर लीटर दे देता है तो क्या ही चाहिए, मतलब 200 cc में ये इतना अच्छा बाइक है। ऑयल कूल्ड इंजन के साथ ये आपको मिल रहा है और काफ़ी स्पीड है इसका, मतलब काफ़ी स्पीड है। और इसका जो लुक है बहुत एग्रेसिव लुक के साथ है और इसका सीटिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है। तो जब भी इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है तो आप जब भी राइड करोगे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बैक का, मतलब बहुत कंफर्टेबल है ये बाइक। सिटी में भी आराम से राइड कर पाओगे, लॉन्ग राइड भी इसको लेकर आराम से कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने हाईवे में भी चलाया, चलाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। अभी मैं थोड़ा सा सिटी में चला के देखता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा मतलब कैसा लगा मुझे ये बाइक चला के। तो इसका ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत इंस्टेंट पकड़ रहा है। और इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है ना गाइस बहुत इंस्टेंट है। और इसका मतलब एक बार आवाज़ सुनिए गाइस, ओह क्या ही आवाज़ है। मतलब इसका जो मतलब एग्जॉस्ट नोट है ना बहुत सुंदर, बहुत लाउड है और बहुत क्यूट सा साउंड है, मतलब बहुत अच्छा साउंड है। मतलब इतना फटा वाला साउंड नहीं है, बहुत स्मूथ सा साउंड है इसका एग्जॉस्ट का साउंड, तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने सिटी में भी राइड किया, राइड करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इजीली कंफर्टेबल है राइड करने में। और इसका RPM मीटर भी बहुत सुंदर से मतलब है। और इसका डिस्प्ले जो है वो आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, वही BS4 जैसे ही रहा है। इंस्ट्रूमेंटर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले एकदम बिल्कुल पहले जैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे अगर गियर इंडिकेटर भी शो करता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर तो शो नहीं कर रहे हैं जितने तक मैंने देखा, गियर इंडिकेटर शो नहीं कर रहे हैं। अगर इस बाइक में गियर इंडिकेटर वगैरह शो कर देता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। वैसे तो इसका 6 गियर मतलब वैसे तो इस बाइक में आपका 6 गियर मिल जाता है, तो स्पीड आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस बाइक में। RS वैसे भी बहुत ओल्ड टाइम से सब लोगों का क्रश हुआ करता था 200 cc सेगमेंट में, बहुत अच्छा बाइक है ये। और सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे अच्छा लगा। जब मैंने कॉर्नरिंग लिया तब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वेट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का ही है, इतना भी ज़्यादा वेट नहीं है। और इस बाइक में आपका LED लाइट नहीं देता है, यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट ही मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। लाइट तो काफ़ी पावरफुल है और इसका प्रोजेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर सा प्रोजेक्टर है। मैं आपको वॉक अराउंड दिखा दूंगा इस बाइक का, और आप लोग ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा इस बाइक का सिनेमेटिक शॉट्स के साथ, आप एंजॉय करना। गाइस अभी आके मैं पहुंच चुका हूँ शोरूम, और बाइक राइड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बाइक का जो एक्सपीरियंस है क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत स्मूथ बाइक है और इतना फाइन इंजन के साथ है ना कि क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा लगा राइड एक्सपीरियंस करके मुझे RS का। शिबुल भाई यहाँ का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो भाई का पूरा नाम क्या है? शिबुल सिंह। तो भाई आप कितने दिन से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? 6 मंथ्स हो गया। तो भाई का नाम डिस्क्रिप्शन में, भाई का नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर बाइक परचेज करना चाहते हो तो भाई के साथ कांटेक्ट कर लेना। और सिक्चर का शोरूम तो आपको पता ही है, बजाज शोरूम कहाँ पे एग्जैक्टली? बजाज शोरूम कहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, तो मतलब मेरा जो वीडियोज है बहुत लोग बाहर से देखते हैं, लाइक सिलचर से जो भी देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो लाइक करीमगंज या फिर हाइलाकंदी से जो वीडियोज देख रहे हैं मतलब जो उनके शोरूम्स में नहीं है, तो आप लोग इस शोरूम में आइए, विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। तो भाई आप लोग तो टेस्ट ड्राइव देते ही हो, तो आप लोग टेस्ट ड्राइव लीजिए, कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है क्या नहीं, आप लोग आके चेक कर लीजिए एंड टेस्ट ड्राइव लीजिए। और भाई के साथ कॉन्टेक्ट करना, हमारा भाई आपको सब बता देंगे, सब हेल्प देंगे। और भाई थोड़ा सा डिस्काउंट देना, मेरा जो भी व्यूअर्स हैं मेरा वीडियो देखिए तो भाई के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख लो शोरूम्स में बहुत सारा बाइक्स है, लाइक पल्सर 150, 125, NS, सब कुछ बाइक अवेलेबल है, डोमिनर और RS सब कुछ अवेलेबल है।
गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, जो जो नया आया, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तो टिल देन राइड सेफ टॉर रेडर्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू सून।